वेलकम टू शिवान्या नर्सरी। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक DIY तैयार किया है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये DIY बनके तैयार हुआ है। और इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों कि एक मैंने पुराना मटका लिया हुआ है, तो उस पुराने मटके को मैंने रेड कलर से पहले पेंट किया है। एक्रेलिक जो कलर आते हैं उससे आपको पेंट करना है दोस्तों। और आप अपने क्रिएटिविटी से कोई भी डिज़ाइन इस मटके में बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने वर्ली पेंटिंग बनाई है जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगती है दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या किया है कि इस मटके के अंदर मैंने सूखे हुए पत्ते भर दिए हैं और उसके ऊपर से फिर मैंने मिट्टी डाली हुई है दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों कि आपको ये जो वायर दिख रहा है, मैंने 5 फिट का वायर लिया है और इस वायर की आप थिकनेस जो देख रहे हैं बस यही इसकी थिकनेस है। और इसको फिर मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके मैंने उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर और उसको मैंने पतले तार से बांध दिया है और ये एक सर्किल का रूप मैंने इसको दिया है। और मैंने अपने गार्डन की ही मनी प्लांट की एक बहुत बड़ी शाखा कट करके और इसको धागे से बांधकर इसको सर्किल में इस वायर के साथ सेट कर दिया है दोस्तों। कुछ कटिंग मैंने नियॉन मनी प्लांट की और मार्बल मनी प्लांट की भी इसके अंदर रख दी हैं दोस्तों। तो नीचे देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ऊपर भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको दोस्तों आप छाया में भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए इस प्रकार से। तो दोस्तों ये DIY बनाना बहुत ही सरल है, इसको कोई भी बना सकता है दोस्तों। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये इसकी पत्तियां जो हैं और भी ज़्यादा निकल आएंगी और ये पत्तियां इसकी और भी ज़्यादा घनी हो जाएंगी। जब ये घनी हो जाएंगी तो ये वायर जो है आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो दोस्तों आपको DIY कैसा लगा? अगर आप मेरा और कोई नया वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी डे।